करता हूं आपका स्वागत करता हूं और पिछले बार हमने देखा था अड़थड़े पर बाधाओं पर हमने कार्य किया और कोशिश की थी कि बाधाएं जो जो है 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 हमारे अंदर जो है, तो अंदर तो तो ही नहीं है। तो हम जो ध्यान साधना में बैठते उसमें तो है ही है वो तो वहां तो तकलीफ देना ही है उनको लेकिन वो बाहर भी हमारा धम्म जीवन जीने के समय भी हमें यह बाधाएं हमारे या जो कहीं ना कहीं हमें ये घेराव करती है और हमें उस अच्छे कार्य के लिए रोकती है और हमें पता भी नहीं चलता तो ऐसी बात नहीं कि वो ध्यान में तो आती है इधर अच्छा होने के बावजूद ध्यान में आता ही है लेकिन हमें पहले इन बाधाओं को बाहर जब हम धम्म जीवन जीते हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम धम्म जीवन जिए हर किसी को लगता है अभी हम यहाँ बैठे हैं इसलिए बैठे कि धम्म सीखने के लिए और धम्म का अनुसार आचरण करने के लिए हम यहाँ बैठे तो हमें सबको ऐसा लगता है कि हम कम से कम धम्म जीवन जीना चाहिए लेकिन यही बाधाएं जो है हमारे बाहर भी भौतिक संसार में भी आ, हम है तो भौतिक संसार में ये बाधाएं हमारे पल पल में हमें दिखाई नहीं देगी कभी 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 ऐसा लगता है हम बहुत अच्छा काम किए लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी तो ये पांच बाधाएं पर हमें ध्यान देना है जब भी हम धम्म जीवन जीते तब और फिर जब ध्यान में जाते हैं तो ये तो ज्यादा तकलीफ देती है तो अगर हम बाहर का जीवन आचरणशील बनाए अगर हम बाहर हमारा व्यवहार सत्यता पूर्ण व्यवहार करते हैं है ना शांति और संतुष्टि का पालन करते हैं हैत्री पूर्ण कर्म करते हैं तो निश्चित ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये अगर ये हम यहाँ किया तो ध्यान में हमें उस बाधाओं पर कार्य करने के लिए तकलीफ नहीं पर हम इधर अगर ये अपने सांसारिक जीवन में अगर हम इसका ध्यान नहीं दिया शिलाचरण का तो फिर ये बाधाएं हमें दिखाई नहीं देगी और हमारा ध्यान भी नहीं हो पाएगा और इसलिए महत्वपूर्ण है ये पांच बाधा हो बाधाओं को हटाना और इस प्रकार जब कोई कोई भी पुरुष ऐसा कहते हैं कि जब ये बाधाओं को हटा देता है तब वो आगे आगे बढ़ता जीवन से शुरू होता है वो कहते हैं ना गाथा में कि वो सबसो नाम, नाम रूपस्मी नाम रूप अर्थात ये जो हमारा शरीर बना है ये शरीर पंचस्कंद से बना है और ये पंचस्कंद में जो हमारे जो चढ़ायतन जिसको हम इंद्रिय कहते हैं हमारी ये बहुत हावी रहती है और हमारा सारा जीवन इसी के ऊपर चलता है क्योंकि सब क्या कहते हैं सबसों नाम रूपस में नाम और रूप अर्थात पंचस्क को नाम रूप कहा गया नाम अर्थात नाम के चार घटक होते हैं और रूप के चार घटक होते हैं इस प्रकार ये आठ घटक से बना हुआ अपना शरीर है और ये आठ घटक का शरीर यही हमें बाधाओं में डाल देता हमें पता ही नहीं चलता है इतने समय तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि नाम रूपस्मी जब आप इस नाम रूपस्मी अर्थात पंचस्कों को समझ जाते हैं वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान इनको अगर आप पहचानना शुरू कर देते हैं हमारा शरीर इस प्रकार बना है तो आप इंद्रियों के ऊपर भी काम करना शुरू कर देते जो छह इंद्रिय हम कहते हैं उसमें मन मुख्य होता है और तब फिर आपको पता चलता है कि ये जो नाम और ये रूप ये जो मिला है इसके ऊपर कैसा कार्य करना है तो ध्यान साधना में जब आप उतरते तो आप इसी के ऊपर देखते तो मेरे भीतर क्या क्या है कौन सी धातु है और धीरे, धीरे 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 आपका मन लगते लगते फिर आप इंद्रियों के तरफ आते हैं। और इंद्रियों का फिर क्या कहते हैं नियंत्रण करना शुरू कर देते तो बाहर नियंत्रण जैसा शुरू हो जाएगा तो अंदर भी आप नियंत्रण करना और फिर आप वो बाधाओं को धीरे 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 अपने जहन से निकालना शुरू कर देते तो उसमें तकलीफ नहीं होगी तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि सबसो नाम रूपी थी म मतंग माई ममयतन माने ममता आसक्ति और जब आप ध्यान में उतरते ध्यान साधना में देखते तो फिर आपको इस शरीर के प्रति उतनी आसक्ति नहीं रहती धीरे 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 धीरे, धीरे आसक्ति से आप दूर जाना शुरू करते ये ममत्व जिसको हम कहते ममता जो हम ममता कहते हैं वो ममता हमारी धीरे 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 क्या हो जाती कम हो जाती है धीरे धीरे आसक्ति जो हमारी हम होते होते हम क्योंकि हम फिर इसको जानना शुरू करते हैं तो इसीलिए ध्यान साधना में जाने के पहले हमारा नाम और रूप और ऐसा कहते हैं भंते जी पंचस्कंद को अगर कोई जानता नहीं तो वो बौद्ध नहीं इतनी बड़ी बात कही भंते जी ने क्या कहते अगर बौद्ध है तो उनको पंचस्कंद की जानकारी होनी चाहिए अगर वो पंचस्कंद जानता नहीं तो वो बौद्ध नहीं इतना बड़ा इशारा जी कर। तो हमें ये ये शरीर चार घटक से बना है आप तेज वायु कहते हैं ये चार घटक हो गए और फिर चार घटक इधर के वेदना संज्ञान संज्ञा संस्कार और विज्ञान तो ये चार घटक में क्या क्या आता है तो हमें ये शरीर के प्रति हमें सावधान होना चाहिए और जब हम इसको जानते हैं तो इस शरीर के प्रति हमें उतनी ममत्व इतनी आसक्ति नहीं रहती धीरे 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 आसक्ति तो रहेगी आसक्ति तो जब तक हम बुद्ध तो प्राप्त नहीं करेंगे तब तक रहेगी लेकिन हम धीरे धीरे एक एक को एक एक को कम करते करते ऐसा समय आता है कि हम पूरी आसक्ति से दूर हो जाए और फिर कहते असता न सोचती बहुत अच्छी बात कही है बहुत गुड़ बात है रहस्य वाली बात है हम खाली ऊपर ही देखेंगे क्या कहते असता चल सोचती मैंने था। फिर आपको ही नहीं होता क्या उसत। उसत उसत। सत्य और असत्य कहते ना हम लोग है ना असत का अर्थात जो वस्तु या जो बातें जो भी पदार्थ है वो अस्तित्व ही अस्तित्व में नहीं है कौन सी जो बातें अस्तित्व पे भी नहीं है उसी के चक्कर में हम पढ़ते अब जो बातें अस्तित्व में नहीं है कौन सी बातें अस्तित्व में नहीं है तो नहीं है आप देखेंगे तो वो बातें है जिसके पीछे हम कहीं ना कहीं फंसे रहते और उसको कहते हैं आत्मा और ईश्वर ये अस्तित्व में नहीं है अनात्मा है अनिश्वर है लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके ही चक्कर में रहते और फिर क्योंकि हमें हमारा पंचस्कंद के बारे में जानकारी नहीं कि पंचस्क शरीर कैसा बना है और इसीलिए इसकी ममता हमें हमारा हमारी आसक्ति बढ़ती जाती और इसीलिए हमें ये जो असता न सोचती लेकिन कब क्या कहते न सोचती कब बोलते है जब आप पंचस्कों को समझ जाते हैं और उससे ममत्व अर्थात आपकी आसक्ति कम करते हैं तब आप ये अस्तित्व में नहीं है उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते पश्चाताप करना ही बंद कर देते अर्थात आप निर्वाण के तरफ बढ़ गए सवे भिक्षु थी कहते उसको ही मैं भिक्षु कहता हूं ऐसे बुद्ध कहते तो इसलिए हमें आ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये अड़थड़ बाधा है हमें तब तक हमारे इसमें रहेंगे जब तक हम नाम रूप नहीं समझेंगे इनको समझना जरूरी और फिर धीरे धीरे जब हम ध्यान में उतरते तो ध्यान में उतरना मतलब क्या यही ही वास्तविक ध्यान क्या है कहते हैं ना तो ध्यान वही है जैसे हम अभी ध्यान में बैठ गए तो हमारी विचार श्रृंखला चालू हो जाती है ना और विचार श्रृंखला चले जाती है चलते रहती है और हम उसी में बैठे जाते जैसे उदाहरण के लिए हमने आग बंद करके बैठ और फिर चल रहे हम और फिर हमें कोई कार दिख रही तो फिर कार के पीछे दौड़ रहे हम और कितनी सुंदर कार है ऐसी कार मेरे पास में रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा फिर तो ऐसी कार कार लेकर मैं क्या करूंगा तो मेरे पास पैसा नहीं तो क्या करूँ तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा फिर कहीं ना कहीं पैसा मिलने के लिए कुछ किसी के पास में जाकर कुछ ना कुछ पैसे के लिए गुजारिश करना पड़ेगा नहीं मिलेगा तो उसके साथ गुस्सा करते जाएंगे बेस्ट करते जाएंगे इस प्रकार आप जा रहे जा रहे ये है बाधा काम छ की बाधा कैसी आती है आपको आप पाग बंद करके बैठे लेकिन सारी बातें आपकी वहां आ जाती है आपका लोभ जो आपको कार के पीछे चले जा रहे जा रहे जा रहे और फिर वहाँ चोरी भी करने की बात मन में सोचते कि कहीं ना कहीं डाका डालने की भी सोचते लेकिन वहां फिर मैं गाड़ी लूंगा फिर पत्नी और बच्चों को बिठा लूंगा फिर सारे शहर को घुमाऊंगा फिर अच्छे अच्छे जगह में जाकर वहां खान पान खाएंगे लोगों के सामने अच्छा दिखाएंगे कार में बैठ कर आ गए हैं तो ये सब ये सब ध्यान में चलता है और यही बाधा है और इसी को इसी को ये बाधाओं को उपाय भी बताया है तो उपाय कैसा करना है इसके ऊपर तो ये विचार है तो इसके ऊपर उपाय भी है अगर हम उस उपाय पर ध्यान देते बाधा तो आएगी लेकिन बाधाओं को पार करने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं और उसमें से पहला उपाय है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जैसे विचार आते तो रुकना क्या कहते हैं उसको ये जिस प्रकार के बादल आते हैं ना बादल बरसाती बादल हम देखते हैं और आते हैं और जाते हैं आते हैं और जाते हैं तो हम देखते रहते हैं हमारे ऊपर कुछ हम भी अगर यहाँ देखेंगे वहां बादल जा रहे फिर ये वो गए फिर दूसरे आ गए हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती ना हम देखते रहते ऐसे ही हमारे विचारों को देखना है अगर जब हम ध्यान साधना में बैठते तो आते हैं बादल की तरह विचार और वो विचार आएंगे जाएंगे लेकिन क्या कहते हम विचार के साथ बह जाते हैं हम भी उस विचारों के साथ आ गई बड़ी हाँ। सुंदर अच्छी अभी जैसा उदाहरण एक लड़की दिखी या स्त्री दिखी स्त्री हाँ। आग कितनी सुंदर है और फिर उसका पीछा करते हैं चले आग बंद है और लड़की के पीछे लगे भूल जाते कि मेरी भी एक पत्नी है घर में भूल जाते चले उस पत्नी के पीछे तो इस प्रकार विचार को रोकते नहीं हम यहाँ बादल की तरह तो विचार के साथ हम बह जाते उसी के साथ चले जाते इसी को कहा पता चलता अरे मैं कहां तक पहुंच गया हाँ बैठे बैठे वहां लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं सब कहा से कहाँ तक पहुंच जाते तो इसीलिए यहाँ क्या है कि पहला उपाय यह है कि बादल की तरह हमें विचारों को रू विचारों पर वहां जाने देना बस जाओ आए ना तुम जैसे हम एक कहावत है ना हमारे बीच में एक कहावत क्या कहते हैं उसको कि ये कान से सुनो और ये कान से छोड़ दो तो इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जा जा रहे जा रहे किधर ना हमारे अंदर विचार चलते बहुत फिर दूसरा अगर ये विचार आते तो यहां हमें क्या करना है कि जैसे विचार आते तो दूसरा उपाय हमारे पास में अगर मान लो हम उसके पीछे जाने की हमारे ऐसा लगता है इसको रोकना है तो कैसा रोकना है तो दूसरा उपाय उसके ऊपर है कि हमें उस परिणाम की जा, जा क्या कहते हैं बोध होना चाहिए क्या होना चाहिए परिणाम का बोध होना चाहिए अर्थात मैं अगर ये इसके पीछे जाऊंगा तो क्या कार के पीछे जाओ और कार के लिए चोरी करूं तो मेरा परिणाम क्या होगा परिणाम का बोध हमारे मन में लाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर मेरे विचार में मैं अगर इसके साथ में बैठ जाता हूं विचार के साथ में और परिणाम क्या होगा अगर मैं चोरी करूंगा या कुछ डाका डालूंगा या किसी को कुछ का मार मार भी सकता हूं क्योंकि कार चाहिए मुझे तो फिर आपको यहाँ झट के साथ सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा और परिणाम का जैसा बोध हो गया तो आप उस जो बातों से ना नहीं नहीं ये परिणाम ये होने वाला तो आप परिणाम कारण आप उसको रोक सकते हैं और वो फिर विचार चले जाते फिर दूसरे भी विचार आएंगे ऐसा नहीं एकच विचार है तो ऐसे अपने स्वभावत है ना बुद्ध तो कहते हैं कि यस्स शक्ति सती सोता मना पसवान भसा क्या कहते हैं यस्स शक्ति सोती सोता सोता माने स्रोत प्रवाह धारा यस्स छत्तीस धारा है उनकी जो पकड़ के रखते हमें एक जाता स्व तो दूसरा स्व आता है तीसरा स्व आता है चौथा स्व आता है। चला और ये धारा की तरह जैसे धारा रहती नदियों की आ, बहुत सारी धाराएं रहती ना इस प्रकार के हमारे मन की स्व जो है ना सती सोता मना पसावना वना भुस्सा इतना खतरनाक है ये मन सारा फैलाव कर दिया है हमारा स्व का एक नहीं दर्जनों है ना छत्तीस कहते और फिर क्या कहते बहुत मजे की बात कहते यहाँ वहा वहंती दूधि वहा वहंती दूधि और फिर हम बह जाते दूधि में मिथ्या दृष्टि में फंस जाते कोई ना कोई ये छत्तीस प्रकार के जो मन की धारा है कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं इसको ऐसा करूंगा उसको ऐसा करूंगा ये जो स्व है हाँ, ये जो गंडता इसी में हम फंसते रहते हैं। और फिर वो उसे बैते बैते दूधि मिथ्या दृष्टि में कब चले जाते पता और आग बंद है ना और इस प्रकार फिर ध्यान कहाँ से होगा और क्या कहते फिर ऐसे ही नहीं तो उसके बाद वहा वह ती संकपा राग निशित संकपा माने संकल्प और फिर वो मिथ्या पूर्ण करने के लिए पूर्ण करने के लिए हमारे संकल्प रहे। हमारे संकल्प कैसे फिर उसको प्राप्त करने के लिए संकपा राग निशिता जो राग की तरफ जो लोप की तरफ ले जा रहे हैं जो कृष्णा की तरफ ले जाते हैं उस तरफ के जो संकल्प हम करते जो हमें तृष्णा के तरफ ले जाते लोभ के तरफ और इसलिए हम ध्यान से कहीं कहीं दूर चले जाते और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ध्यान में जो बाधा आती तो आते हैं बादल की तरह विचार तो उनको जाने दो तो, तो मत जाने दो तो उनको आप रुक जाओ आप उसके साथ नहीं बहना और जैसे ही बहने की बात आ गई तो आपको वहां संकल्प पहने वहां आपको वहां बोध होना चाहिए कि परिणाम क्या होगा मैं इसके साथ जाऊं कौन सा भी विचार हो एक ही विचार नहीं एक कार का उदाहरण है ऐसे बहुत सारे हमारे मन में विचार आते और पता नहीं चलता क्या होता है कि एक ब्राह्मण पंचग्रह ब्राह्मण बहुत ही सुंदर पंचग्रह ब्राह्मण था एक और वह बुद्ध को पांच बार दान देता था साल में पांच बार दान देता था फसल बोने के पहले दान देता था फसल डालने के बाद दान देता था उसके बाद फसल निकलने के समय दान देता था फिर फसल घर में आने के बाद दान देता था और फिर फसल का जो अनाज जो आता था उसको फिर वो घर तक पहुंचने के बाद फिर और एक बार दान देता था पांच दान बहुत श्रद्धा थी बुद्ध के ऊपर बुद्ध का दर्शन करना बहुत अच्छा लगता था और एक दिन क्या हो गया घर में बैठा है खाना खा रहा है उनकी पत्नी दरवाजे में बैठा है लेकिन दरवाजे की तरफ मुंह नहीं है मुंह किधर है दरवाजे की तरफ पीठ है पीठ करके बैठा हुआ है दरवाजे की तरफ पीठ है और इधर मुंह है बाहर लेकिन पत्नी पत्नी सामने हवा झेल रही उनको खाना खा रहे हवा झेल रही तो उनका मुंह दरवाजे की तरफ है और वो खाना खा रहा है ब्राह्मण पंचग्रह ब्राह्मण और उसी समय बुद्ध आते उनके दरवाजे पे और आते हैं बुद्ध और वहां दरवाजे में खड़े रहते अब पत्नी ने देखा क्योंकि इसका मुंह तो इधर नहीं पीठ है उनका मुँ किसका? मुँ, उनका किसका पत्नी पत्नी का है। पत्नी ने देखा क्या वो भिक्षु को सन्यासी को देखा बुद्ध को देखा और उनको लगा कि अब ये सन्यासी आया है मन में क्या सोचती देखे मन कैसा है स्व देखे कैसा उसका मन सोच रहा कि ये सन्यासी आ गया श्रमण आ गया और ये अगर मेरे आदमी ने देखा मेरे पति ने देखा उसको तो बोलेगा जा उनके लिए खाना ला ये खाना ला उनको दे खाना उनके आओ भगत करेगा तो मेरे को खाना बनाना पड़ेगा क्या सोच रही हो देखिए, और फिर क्या है ये ना देखे उसको तो वो पंखा झलते झलते पीछे से गई पिटके पीछे गई आदमी के और वो आदमी को ऐसी खड़ा रही दरवाजे में बराबर बीच में कि ये मेरा आदमी को ना देखे उस बुद्ध बुद्ध को ना देखे और उनको पता नहीं कि श्रमण कौन है बुद्ध है कि नहीं श्रमन है सन्यासी है लेकिन उनके मन में क्या बात आई कि इन्होंने नहीं देखना चाहिए इसने मेरे आदमी ने और आदमी अगर देखा तो मेरे को बोलेंगे खाना बना कर दे और भी और जो आए उनको सन्यासी को खाना दे और मेरे को फिर तकलीफ होगी खाना बनाना पड़ेगा फिर खर्चा भी होगा अनाज भी चला जाएगा बहुत सारा सोच रही देखिए इसको कहते हैं मना पसवना वना गुस्सा और फिर वो क्या संकल्प कर रही मन में देखिए मिथ्या दृष्टि कैसी आई कि इसको देखने से मेरे को तकलीफ होती तो वो जाकर पीछे से खड़ी रहेगी और फिर थोड़ी देर तक खड़ी रह गई खड़ी रही लेकिन बुद्ध काय को जाते खड़े है अब उनको थोड़ी ना मालूम बुद्ध है और मालूम भी होगा मालूम भी रहता तो क्या तो उसको तो उसके मन में देना ही नहीं था उनको भोजन और वो खड़ी रही लेकिन उनको क्या मालूम कि बुद्ध है उनके दरवाजे बुद्ध ऐसे नहीं जाते हमें भी ध्यान रखना है अंगुली माल के पास अगर बुद्ध गए है अंगुली माल नहीं आए तो बुद्ध को यह लगता कि किसको मैंने आगे बढ़ना है तब वो अपने शिष्य के ऊपर कितनी नजर रहती बुद्ध की किसको अभी बुद्धत्व तो की तरफ ले जाना है और इसलिए उनके घर के सामने खड़े हो गए अब देर होने के बाद उनको लगा ये जा ही नहीं रहा सन्यासी तो उसको हंसी आ गई वो महिला को और हंसने लगी जैसे ही हंसने लगी तो आदमी को लगा क्या क्या हो गया हंसने को तो ऐसा पीछे मुड़ के देखते तो बुद्ध दिखे और जैसे ही बुद्ध देखे तो उन्होंने खाना छोड़ दिया अरे अहो भाग्य धन्य हो गए मैं भगवान धन्य हो गए आप आइए और पत्नी अरे बुद्ध है भगवान आए अपने दरवाजे और फिर उनको देखिए और, और फिर उनको भोजन दिया भोजन खिलाया भोजन खाने के बाद में बुद्ध ने जब उपदेश दिया उनको उन्होंने क्या पूछा था उनको कि भगवान भिक्षु बनने के लिए क्या करना पड़ता है भिक्षु कैसा बनता है और भिक्षु मैं तो ग्रस्त हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भिक्षु बनना चाहिए तो कैसा बनू मैं किस प्रकार बनू तब ये बुद्ध कहते कि, सवस्थो नाम यस, क्या कहते हैं न थी ममाइन अपना मम तो छोड़ना पड़ेगा और फिर वहां प्रवचन देते और फिर प्रवचन में वो महिला भी क्या होती प्रभावित होती वो भी उनकी क्या बनती है उपासिका बनती और इसको इनका भी मन परिवर्तन होता है इस आदमी का तो उस आदमी के लिए तो गए था ये पंच ग्रह ब्राह्मण के लिए बुद्ध गए थे उनके दरवाजे में क्योंकि वो वो जो ब्राह्मण है पांच बार दान करता था और बुद्ध का दर्शन करता था तो बुद्ध को लगा कि ये आदमी अब इसको बुद्धत्व को लेके जाना है देखो बुद्ध कैसे मदद करते तो इसीलिए हमें जो ध्यान में है तो ध्यान में भी हमें ऐसा वातावरण परिणाम की जानकारी रखना चाहिए कि हमारा परिणाम क्या होगा क्या होगा और हम किस तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद में अगर देखेंगे तो तीसरी जो बात है कि विरुद्ध भावना करना चाहिए। कैसे विरुद्ध भावना करना चाहिए अगर हमें क्रोध आता है तो मैत्री करना चाहिए अगर हमें लोभ है तो दान करना चाहिए और इससे धीरे धीरे हमारी विरुद्ध भावना अगर हमारी बढ़ती है सकारात्मक भावनाएं बढ़ती नकारात्मक में सकारात्मक भावनाएं अगर हम निर्माण करते हैं तो हमें जिस प्रकार हम जो विचार की में के वजह हम उसमें बोध हो गया और बोध भी अगर नहीं होता है तो हमें विरुद्ध भावना करने से हमारे मन में जो बात आ गई है वो बात को हम उसको विचारों को तिलांजलि दे सकते और हमारा विकास सकारात्मक तो इसी को कहते हैं क्या कहते हैं कि विरुद्ध भावना करना चाहिए ये तीसरा उपाय है अगर हमारा मन नहीं लगता है, तो उपाय करना है कि बुद्ध का आंख खोल कर देखिए बुद्ध के तरफ और बुद्ध के तरफ देखकर उनके आ, हाथ देखिए उनका किस प्रकार हाथ रखा है अभय मुद्रा में है कि धम्मचक्र प्रतन मुद्रा में है इस प्रकार आप देखिए और ये बुद्ध कैसे बने इस प्रकार आप अपने मन को ये भावनाओं में लाकर फिर से सकारात्मक जैसा क्रोध आया किसी के प्रति तो मैत्री भावना के मैत्री भावना कर सकते मैत्री कर सकते अगर मन में लोभ आया तो दान कर सकते दान भावना से आप आगे बढ़ सकते और इस प्रकार वो जो महिला है जो महिला हसी थी तो क्यों हसी थी कि उनको हसी इसलिए आया कि ये भिक्षु कितना हट्टी है ये सन्यासी कितना हट्टी है भाग ही नहीं रहा यहाँ से मैं जब खड़ी रहे हूँ तो उनको समझना चाहिए देखिए कितना प्रतिक्रिया दे रहा है उसका मन लेकिन बुद्ध समझ रहे बुद्ध जान रहे और इसलिए बुद्ध वहां ऐसे नहीं आए होंगे को लगा कि इनको उनका मन परिवर्तन करना है तो हम भी ध्यान साधना में जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे कल्याण मित्र की आवश्यकता पड़ती और कल्याण मित्र अगर नहीं रहा तो हम भी ऐसे बैठ सकते हैं तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहा जा रहे किधर जा रहे और चौथी बात जो है वो चौथी बात को कहते हैं अगर हमारा विरुद्ध भावना में भी हम सक्सेस नहीं हुए अगर हम परिणाम का बोध परिणाम की जानकारी भी में भी हम सक्सेस नहीं हुए विचारों को भी दबाने विचार नहीं के तो कम से कम दबाना चाहिए फिर जबरदस्ती से दबाना चाहिए विचारों को क्योंकि हमारा टारगेट जो है इधर जाना है विधायकता की तरफ जा रहे हैं हम और विधायकता की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम हमें क्या करना चाहिए तो हम वहां जिस प्रकार एक बाट एक, एक बाल्टी में एक बाल्टी में एक गेंद लिए और गेंद अगर रखे तो ऊपर ही रहेगा तो उसको हाथ से ऐसे तलवा से ऐसे दबाना चाहिए दबाने के बाद हाथ ऊपर करके फिर ऊपर आएगा फिर दबाए फिर ऊपर आएगा फिर दबाए इस प्रकार हमारे जो विचार आते हैं तो उसको दबाने की कोशिश करना चाहिए आ, बार बार दबाना चाहिए तो जिस प्रकार वो गलत विचार आते हैं जो हमें आ, हमारे दुखे तरफ लेके जाते हैं तो उनको दबाने की कोशिश करना चाहिए और वो भी उसमें भी हम सक्सेस नहीं हो क्योंकि सक्सेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो गेंद है गेंद जैसे आप हाँ हाथ उठाएंगे तो ऊपर ही आएगी तो उसमें आप थक जाएंगे लेकिन गेंद नीचे नहीं बैठेगी क्योंकि वो गेंद हवा भरी है और उसका जो तत्व है वो तो ऊपर आने का ही है और इसीलिए आप उसमें अगर थक जाते तो आखिरी में जो उपाय है वो है कि बुद्ध के शरण में जाना धम्म के शरण में जाना संघ के शरण जाना आखिरी में उपाय ये करना है कि अब मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूँ या जाती हूँ और बुद्ध ने जिस प्रकार अपना विकास किया और जो धम्म है धम्म से हम कैसे विकसित होते अंगोली विकसित हुआ पटाचारा विकसित हुई किसा गौतमी विकसित हुई ऐसे महान कहानियां हमारे सामने आकर तो मुझे भी शरण गमन करना मैं भी बुद्ध की शरण जाता हूँ और इस प्रकार हमारे मन में ये उपाय निर्माण करना पड़ेगा और जैसे जैसे हम ये उपाय निर्माण करेंगे तो कोई ना कोई उपाय कौशल्य को में हम सक्सेस हो सकते और तब हम इन बाधाओं को हटा सकते और निश्चित ही हमारा प्रयत्न जारी रहा अगर हम प्रयत्न करते रहे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होती है और उस सफलता में फिर हम जब हम सारे जा बाधाओं को खत्म करते हैं यहाँ से सही मायने से हमारा ध्यान रख और यहाँ जो ध्यान लगता है इसको कहते फिर यह हम अंतरदृष्टि की तरफ जाते अभी तक हम क्या में थे पहले एक रूपता में थे दूसरे में क्या थे एकाग्रता में थे एक रूपता में थे दूसरे में क्या थे हम सांप्रजन्य में आ गए थे और तीसरे में हम अंतरदृष्टि की तरफ पदार्पण करते हैं और फिर यह बाधाओं को अगर हम समाप्त करते हैं तो निश्चित तो ही हम अंतरदृष्टि की तरफ बढ़ सकते और अंतर्दृष्टि में फिर उनको कहते कि ध्यान सही मायने से वहां से शुरू होता है हालांकि ये भी ध्यान पूरी तरह ध्यान नहीं है ये जो प्रथम ध्यान कहते हैं उसको द्वितीय ध्यान कहते हैं तृतीय ध्यान लेकिन ये प्रथम ध्यान में तब उतरते हम जब ये पांच बाधाओं को हमारे उपाय कौशल्य का सहारा लेकर हाँ उपायों का सहारा लेकर पांच बाधाओं को जब हम खत्म करते और तब धीरे धीरे हमें सफलता प्राप्त होती है और फिर हम प्रथम ध्यान के तरफ पढ़ते हैं और फिर प्रथम ध्यान फिर उसके बाद द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ध्यान तक जाते हैं लेकिन इसके लिए ले भी बहुत सारी बातें हमारे अंदर होती रहती लेकिन वो विधायक भी बातें होती है लेकिन वो भी बहुत ही खतर बहुत ही हमारे आ, उसके ऊपर उठना है हमें ऐसा नहीं वो भी परिपूर्ण नहीं होती तो प्रथम ध्यान में ऐसा समझते कि हम जाएंगे तो धीरे धीरे वो प्रथम ध्यान में फिर द्वितीय ध्यान में तृतीय ध्यान में इस प्रकार चार ध्यान में हम हमारा पदार्पण होता है कब जब हम को समझेंगे, जब हम नाम रूप को समझेंगे और जब हम अड़थड़ों पर कार्य करेंगे बाधाओं पर कार्य करेंगे उपाय कौशल्य से क्योंकि उन्होंने कहा कि असता चन सोचती हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता फिर कोई भी और वो अस्तित्व में है उसका तो विचार रहता ही नहीं और फिर हमारी ममत्व, हमारा जो स्नेह है हमारी जो आसक्ति है वहां से धीरे धीरे हम उसको दूर करते हैं, तब हम ध्यान साधना में उतरते हम अगली बार में देखेंगे तो बहुत बहुत साधुवाद आपका सभी ने ध्यान से सुना आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ जय भी धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद जी